Understand you soon, it won't be long. Keep on keep running. दोस्तों फिर से मिल रहे हैं आज हम एक नए वीडियो में क्लैश ऑफ क्लैंस के, और इस वीडियो में भी दोस्तों हम कुछ इवेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे जो कि सीओसी ने अभी नए निकाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इवेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे एक आइस विजार्ड का है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, और दूसरा जो है एपिक विंटर चैलेंज है। तो दोस्तों अभी तक जो हम इवेंट में कर रहे थे कि एक ही अटैक में सारे जो प्रोग्रेस दोनों तीनों के कंप्लीट कर रहे थे, वो इस बार नहीं हो सकता है। ये एपिक विंटर चैलेंज है, इन्होंने अलग ही लेआउट बना के रखा हुआ है और अपनी आर्मी देते हैं। आपको बस 3 स्टार पहनना है और आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, शावल और 15 जेम्स। शावल को बेच के आप जो है 50 जेम्स ले सकते हैं, इन टोटल आपको 65 जेम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो आइस विजार्ड का है दोस्तों, यहाँ पे 15 की प्रोग्रेस है और रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा बढ़िया है जो कि हमारा रिसर्च पोर्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो देखेंगे एपिक विंटर चैलेंज पे 3 स्टार करने कैसे करने हैं वो देखेंगे। तो आइए करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बेस है सेम बेस ही है सबका अकॉर्डिंग टू देयर टीएचएस। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है ये कि यहाँ पे सब कुछ फ्रीज 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 है। अगर आप आइस गोलम ले रहे हो वो भी फ्रीज हो जाता है, सब जमा देता है, ठीक है, डिप्लॉय होके मरने के बाद। आइस हाउंड भी जो है आइस पफ्स छोड़ने लग रहे होते हैं एंड में, तो आपको टाइमली यहाँ पे फ्री स्पेल्स का ध्यान से यूज़ करना है। अगर आपने फ्री स्पेल गलत छोड़े, वेस्ट किए इसका मतलब, तो आपका जो है 3 स्टार नहीं होगा। अगर आपने वाइजली जो है फ्री स्पेल को यूज़ किया तो सक्सेसफुली यहाँ पे आप 3 स्टार कर लोगे। तो यहाँ पे हम पहले ग्राउंड आर्मी डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो है हम आइस हाउंड छोड़ेंगे, उसके पीछे अपना वार्डन और अपनी जो ये रॉयल चैम्पियन है उसको छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं सेंटा क्लॉज वाला स्पेल है उसको एंड तक ही बचा के रखते हैं, इन केस कोई डिफेंस रह रहा हो तो तुरंत उस पर डिप्लॉय कर देंगे। तो वो करता क्या है कि वो गिफ्ट छोड़ के वो स्पेल थोड़ी बहुत डैमेज भी दे देता है वहाँ पे। पहले हम आइस कॉलम छोड़ते हैं, पीछे किंग क्वीन सारे आइस विजार्ड्स डिप्लॉय करते हैं और फिर आइस हाउंड करेंगे, और यहाँ पीछे हम वार्डन रॉयल चैम्पियन और फीस दोस्तों लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। आइस हाउंड को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देखो खुद ही सब कुछ उसने फ्रीज कर रखा है, ठीक है, चलने दो, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पे फ्रीज करते हैं, अभी तक भी ठीक है। तो ये जो है दोस्तों परफेक्ट ही लग रहा है मुझे बिल्कुल, यहाँ पे हमने 3 स्टार अचीव कर लिए हैं। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे अपने आइस स्पेल्स का ही ध्यान रखना था और कुछ भी नहीं है इस इवेंट में। आपको आइस स्पेल जो एकदम लास्ट में डिप्लॉय करने हैं जब आपके आइस गोलम और आपके आइस हाउंड मर जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी जो है सब कुछ फ्रीज कर देते हैं। अगर उसी टाइम पे आपने फ्री स्पेल डाल दिए तो आपके फ्री स्पेल वेस्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी ट्रिक थी दोस्तों इसमें आपको समझने लायक, फिर तो आपका 3 स्टार सिंपल होना था। किंग बचा है, मारो इसको भी, तो ये 100 हो गया। मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था दोस्तों इवेंट। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम आइस विजार्ड वाले इवेंट की बात करें तो सिंपल है, आप कोई से भी ग्राउंड आर्मी ले लीजिए जहाँ पे आप विजार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वोविच वाले में बताया था, और सिंपल आप जो है 15 की प्रोग्रेस कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो दिक्कत वाली बात थी दोस्तों वो ये आइस एपिक विंटर वाली चैलेंज की थी, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको अटैक में जो बातें थी वो समझ आ गई होंगी और आप इजीली जो है 3 स्टार कर लेंगे। और ज़रूर कमेंट करके बताना यार आपका 3 स्टार हुआ है या नहीं हुआ है, कितना आपको उसमें चीज़ है इजी लगी है ये वीडियो देखने के बाद। फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जो है आप सब अपना ध्यान रखिए। टाटा।